तो दोस्तों, भोजपुरी में एक बार फिर से महायुद्ध छिड़ चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है मामला क्या है, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। विवाद होने का इतना भी बड़ा कोई कारण नहीं था, लेकिन विवाद क्यों हुआ? खेसारी लाल यादव के लाइव आ जाने के कारण। मैं आपको बता दूं कि जो है लकीर खींचने वाली बात जो है हो रही थी, सभी लोग लिख रहे थे, तो इसमें इतनी चिढ़ने वाली बात नहीं थी। खेसारी लाल यादव को लाइव आने की ज़रूरत नहीं थी भाई। जो जिसका फैंस होगा यूट्यूबर, वो उसकी बड़ाई करेगा। आपके फैंस, आपके यूट्यूबर जो हैं, वो आपकी बड़ाई करते हैं। पवन सिंह के यूट्यूबर और फैंस उनकी बड़ाई करते हैं, तो इसमें इतना चिढ़ने की बात नहीं थी। पवन सिंह ने तो शुरू में ही लकीर खींचने की बात कही थी, तो इसमें आपको लाइव आने की ज़रूरत नहीं थी। आप एक सुपर स्टार हो, और ऐसे सुपर स्टार को छोटी छोटी बातों पर लाइव आना अच्छा नहीं लगता है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर बहुत सी सारी बातें कही है, जो कि जो है उनको लगता है कि कितना बड़ा दर्द है। तो मेरे हिसाब से जो है वो सुपर स्टार हैं। पवन सिंह को देख लीजिए, पवन सिंह कभी भी छोटी छोटी बातों के लिए रोना धोना नहीं करते हैं और ना ही लाइव आते हैं। आप सुपर स्टार हो भाई, जो करना है वो करो, ऐसे लाइव आकर के रोने से कुछ नहीं होता है। और इसमें कोई बात भी नहीं थी। आप तो कहते हो कि बॉलीवुड से नहीं, हमको भोजपुरी बड़ा करना है, तो इसमें तो आपको जलन सी बात हो गई ना, कि आपने जलन किया और लाइव आया और ऐसा किया। तो आप लोग इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।